हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, कुछ पीएनएल और कुछ पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में कंबाइन। सुनो, पार्टनर्स हैं ए और बी, इन्होंने टाइम दिया है बिजनेस को, तो ये अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो उसमें से सैलरी डिमांड करते हैं। ये हमारा एक एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई है तो ये काम करेगा, तो इसे कितनी सैलरी पर हमने रखा है, 2000 की सैलरी पर हमने इसे रखा है। और जब हम इसे सैलरी देते हैं तो जर्नल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉसेस। ऐसे ही हमारे एक लेबर है, लेबर जो लेता है हमसे वो होती है वेजेस, और कितने रुपए की वेजेस पे रखा हमने इसे, 400 रुपए की। जब हम इसे वेजेस पे करेंगे तो जर्नल एंट्री डालेगी वेजेस टू कैश। जब हमारा ईयर एंड हो जाता है तो क्योंकि लेबर हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, तो यही जो वेजेस यहाँ डेबिट है ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाती है और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है। इसकी वजह से वेजेस यहाँ पर शो होने लग जाती हैं। इसकी जो सैलरी है ये एक इनडायरेक्ट खर्चा है, एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और सैलरी यहाँ पर शो होने लग जाती है। और पार्टनर्स की सैलरी तब दी जाती है जब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट यहाँ अगर हुआ है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लाना है, और फिर पार्टनर्स की सैलरी यहां पर शो हो जाती है। थैंक यू सो मच।